गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ राइडर फॉर एवर। और अभी मैं इस वक्त जा रहा हूँ टाटा के सर्विस स्टेशन में, बिकॉज कल वहाँ से मुझे फ़ोन आया था कि उन्होंने बोला कि आप आपकी गाड़ी लेकर वापस आए, उसमें कुछ हेडलाइट्स में फॉल्ट्स उन्होंने नोटिस किए हैं। एंटायर रेंज ऑफ टाटा नेक्सॉन XZ प्लस वेरियंट, द टॉप मॉडल, हैज़ बिन रिकॉल्ड बाई टाटा बिकॉज देर हैज़ बिन सम प्रॉब्लम विद द हेडलाइट असेंबली एंड दे आर रिप्लेसिंग इट फॉर फ्री। ऑफकोर्स फ्री में ही करना पड़ेगा। पिछले दो तीन दिनों से मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम नोटिस हो रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि छोटा मोटा इशू है, अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगा। लेकिन दिस इज़ अ बोल्ड स्टेप बाय टाटा टू रिकॉल द एंटायर सेगमेंट ऑफ टाटा नेक्सॉन बैक एंड दे आर रिप्लेसिंग द हेडलाइट्स। अब मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, बिकॉज आप सबको मालूम है मैंने गाड़ी पर सिरामिक कोट कराया है, तो हेडलाइट्स के ऊपर भी सिरामिक कोट कराया था मैंने, तो अभी वो सिरामिक कोट वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे को नए हेडलैम्प्स मिलेंगे। मेरे को भी प्रॉब्लम आया दो दिन पहले जब मैंने गाड़ी बंद की, इग्निशन ऑफ की मैंने, उसके बाद भी उसकी हेडलाइट चालू थी, तो मेरे को लगा कि कुछ छोटा मोटा इश्यूज है, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन कल मेरे को फ़ोन आया सर्विस स्टेशन से, एंड दिस इज़ वन गुड थिंग कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है, बिकॉज दिस इज़ डूइंग गुड इन मार्केट, इट इज़ सेलिंग गुड इन नंबर्स, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी, अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस स्टेशन पे, हेडलैम्प चेंज करने के लिए उन्होंने बोला कि 2 घंटे का टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आई विल टेक यू स्ट्रेट टू द सर्विस स्टेशन फ्रॉम हियर। आप कौन है भाई साहब, जरा शक्ल दिखाओ भाई साहब, इतना बड़ा चेंज रात को किया है क्या घर पे बैठे बैठे? फिर सलून में ऐसा लग रहा है 10 साल जवान हो गया छोकरा। और हम लोग अभी टाटा के सर्विस स्टेशन में पहुंच गए, और हम लोग की सबसे पहली गाड़ी है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला तो है कि 2 घंटे में हेडलाइट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो दिस इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू गेट चेंज, राइट? यही चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलते क्या है? ₹100 का ही पार्ट है कल, तो ये ₹100 के पार्ट से बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा है अपने हेडलाइट में सिरामिक कोटिंग किया था ना, बस ये। सो ऑल द एक्सपर्ट पीपल एंड इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन द कार। कस्टमर केयर से गलत कॉल आया मेरे को, उन्होंने बोला कि हेडलाइट असेंबली चेंज करके देंगे। दे डिडंट इवन सेट मी दैट कि एक्स्ट्रा चाबी है गाड़ी की, वो भी साथ में लेके आया, उसमें एक चिप है उस चाबी में, वो भी वो लोग चेंज करके देने वाले हैं। तो कस्टमर केयर ने थोड़ा सा इशू क्रिएट किया है। अगर उन्होंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया होता तो मैं एक्स्ट्रा चाबी लेके आता साथ में, क्योंकि वो चाबी के अंदर भी वो लाइट के साथ रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स है, तो उसके अंदर का भी चिप चेंज होने वाला है। सो दे आर नॉट चेंजिंग द असेंबली, गुड, बिकॉज द हेडलाइट इज़ डन सिरेमिक कोटिंग, बच गया हेडलाइट, बच गया। नहीं तो वो सिरेमिक फ्री में तो नहीं होता, पैसे देने पड़ते थे उसकी भी। तो अभी थोड़ी देर का ही काम है, देयर इज अ रबर पैड ऑफ ₹100 जो अभी मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, वो एक ₹100 का पैड कमाल करने वाला है कुछ, एंड दैट इज़ फॉर फ्री, ₹100 का ही है, इट इज़ फॉर फ्री। तो देखते अभी कुछ अगर प्रॉब्लम आया देन विल रिपोर्ट, लेट्स सी। अभी तक तो नेक्सॉन में कुछ इशू नहीं आया है मेरे को, थोड़ा सस्पेंशन का आवाज़ था जो उन्होंने ठीक करके दिया था मुझे। नाउ सेकेंड सर्विस इज़ प्रॉबली ड्यू ऑन 7500 किलोमीटर्स, और मैंने 6000 किलोमीटर ऑलरेडी किए हैं 3-4 महीने में, गाड़ी चलती है। और जब से नेक्सॉन लिए मैं वही यूज़ करता हूँ, बिकॉज बहुत सुपर कार है सिटी में चलाने के लिए, बहुत अच्छा एवरेज मिलता है। यू वोंट बिलीव, मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे उसका 24-25 का माइलेज निकाला है, येस, एंड सिटी में भी मैंने निकाला है वो एवरेज, क्योंकि उसमें मोड्स है, ड्राइविंग मोड, सो दैट हेल्प्स यू अ लॉट टू गेट अ गुड इकोनॉमी आउट ऑफ द कार। तो अभी थोड़ी देर में ये फिटिंग खत्म हो जाएगी। गाइज, आई मेट फ्यू ऑफ माई सब्सक्राइबर्स हियर, दे ऑल आर फ्रॉम द टाटा सर्विस स्टेशन, दे आर वर्किंग हियर। आपका नाम क्या है? करण। आपका नाम क्या है? सोनू। आपका नाम क्या है? योगेश। आकाश। करण, सोनू, योगेश, आकाश, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, कभी भी मैं आता हूँ तो हमेशा काम पे ही लगे रहते, तो आज ये लोग शायद वीडियो देखेंगे रात को। थैंक यू गाइज, आप लोग सब दिखेंगे इस वीडियो में आज रात को। नाउ वी हैव डन विद द फिटिंग एंड वी आर लीविंग इन अ फ्यू मिनट्स, गेट पास आ रहा है इसका। अभी मैं टाटा के सर्विस स्टेशन से निकल चुका हूँ, एक छोटा सा चेंज करने के लिए उन्होंने बहुत टाइम लिया, जो बिल्कुल अप्रिशिएटेड नहीं है। लेकिन जो चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए वो है कि टाटा ने
किसी और की कंप्लेंट आने से पहले, कस्टमर से कंप्लेंट आने से पहले ये प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की कोशिश की है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कंप्लेंट्स आए हैं कि नहीं आए, शायद किसी ने किया भी होगा या फिर पता नहीं कंपनी ने खुद R&D करते करते उनके ही किसी टेस्ट व्हीकल में ये चीज़ नोटिस की होगी, तो उन्होंने वो एक छोटा सा चेंज करके दिया है। कस्टमर केयर ने मुझे बोला था कि आपके दोनों हेडलैम्प्स चेंज होने वाले हैं, जो कि नई हुए, उसमें एक रबर का कुछ एडिशनल पैडिंग्स आता है वो उन्होंने इंस्टॉल किया है, दैट वॉज लाइक ओनली 100 rupees ईच, तो उसका कुछ चार्जेस नहीं लिया है। उसके बाद में उन्होंने ये चाबी के साथ भी कुछ चेंजेस करके दिए है, इट इज़ गुड लुकिंग की इज़न्ट, बहुत अच्छी दिखती है ये चाबी, तो ये चाबी के साथ कुछ चेंजेस करके दिए है और उन्होंने कहा है मुझे कि जो एडिशनल चाबी है वो भी लेके आओ, उसमें भी हम लोग करके देंगे। अभी देखते हैं कि हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन रहते हैं कि नहीं गाड़ी बंद करने के बाद भी, तो वो एक रिव्यू उनको मैंने देना है आफ्टर यूजिंग दिस, तो मैं वो ज़रूर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, इफ़ अगर कोई टाटा मोटर्स से ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हो आजकल, सिंस टाटा टियागो, हेक्सा, नाउ दिस नेक्सन, सो ओवरऑल यू पीपल आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ गुड प्रोडक्ट। लेकिन जब तक आपके सर्विस स्टेशन इम्प्रूव नहीं होते, जब तक आपका सर्विस स्टेशन आपके सेल्स को ठीक से बैकअप नहीं देता है, कुछ नहीं होने वाला है। और लोगों का जो इंडियन मेंटालिटी है वो सर्विस स्टेशन से ज़्यादा मैटर करता है। अगर उनकी गाड़ियाँ ढंग से सर्विस होती है, द कॉस्ट इज़ रीजनेबल, तो आपके सेल्स पे इफेक्ट होने वाला है उसका, आपके सेल्स अच्छे होंगे। ये मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत बड़े लोग हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ मालूम होगा, लेकिन एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे सर्विसिंग इतना अच्छे से होता नहीं है। जो कस्टमर प्रॉब्लम लेके आता है उसको 100% वो लोग सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, दे जस्ट कीप वेटिंग फॉर द सेकेंड सर्विस, थर्ड सर्विस, और एक बार गाड़ी वारंटी के बाहर चली जाए फिर क्या करना है, फिर पेड सर्विस में उसके बिल्स बनेंगे, फिर भी उसका काम नहीं हुआ, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। सो जस्ट एज वन स्मॉल कंसर्न, बिकॉज आई एम द टाटा कस्टमर सिंस लॉन्ग, मेरे पास जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है वो टाटा की है, हैंड्स डाउन उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देर इज़ नो कंप्लेंट्स विद द कमर्शियल व्हीकल। बट हम लोग के पास 2004 में टाटा इंडिगो थी विच माई फादर यूज टू ओन, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सो दैट वॉज अ डिकेड बैक, तो अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। तो बस एक आपकी सर्विस टीम अगर अच्छे से काम करती है तो इट विल हेल्प यू डूइंग मोर सेल्स, सो प्लीज़ थिंक अबाउट दिस। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग माई कार बैक टू योर सर्विस स्टेशन, जो भी उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो करके देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सर्विस स्टेशन ने फ़ोन करके सामने से बोला है मेरे को कि आप गाड़ी लेके आओ, आपको हम लोग ये चेंज करके देंगे, अदरवाइज़ मेरे हमेशा सिर्फ झगड़े हुए हैं सर्विस स्टेशन वालों से। सो दिस वॉज द एंटायर वीडियो अबाउट वॉट द एक्सपीरियंस आई गॉट विद टाटा नेक्सन हेडलाइट, एंड लेट्स सी आगे जाके, आई होप माइल्स ऑफ किलोमीटर्स, टन्स ऑफ हैप्पीनेस ऑन माई फेस, लेट्स सी। सो दिस इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू गेट चेंज, राइट? यही चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते क्या? हंड्रेड रुपीज़ का ही पार्ट है कभी, तो ये 100 rupees के पार्ट से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा है आपने हेडलाइट में सिरामिक कोटिंग किया था ना, बस ये टाटा में काम पे लग गया, टाटा में किधर, अब भी आया मैं इधर, लुक हु इज योर मेहुल राठौड़ इज योर, डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल अनलेस एंड अंटिल ही इज नॉट पुटिंग एनी कंटेंट, सिर्फ मार्वल का ये बनाया उसने, क्या बनाया, इंट्रो मार्वल का। सो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर केयर, द हेडलाइट असेंबली इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, द ओनली पार्ट दिस 100 rupees का पार्ट इज गोइंग टू मेक सम इफेक्ट हियर। टाटा में काम पे लग गया, टाटा में किधर, अब भी आया मैं इधर, लुक हु इज योर मेहुल राठौड़ इज योर, डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल अनलेस एंड अंटिल ही इज नॉट पुटिंग एनी कंटेंट, सिर्फ मार्वल का ये बनाया उसने, क्या बनाया, इंट्रो मार्वल का।